देखो फ्रेंड्स, उस समय लाइटनिंग नहीं था और अभी लाइट लग जाने के बाद एक बेहतरीन सा व्यू यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ गया के फल्गु नदी के तट पे। आप ये देख सकते हो पीछे फल्गु नदी, और फल्गु नदी में अभी आया हूँ देवघाट में। और यहाँ पे आया हूँ इसलिए ताकि आपको हमारे यहाँ आगामी 28 सितंबर को जो विश्व प्रसिद्ध मेला शुरू होने वाला है पितृपक्ष मेला, उसकी तैयारियाँ को शेयर करने आप लोगों के साथ में कि कौन कौन से तैयारियाँ कैसे चल रही है। सो इससे एक हेल्प हो जाएगा उन सारे यात्रियों के लिए जो गया में आ रहे हैं, तो सारी जानकारी जो है उनको पहले से प्रोवाइड हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित प्रभाकर ब्लॉग्स में। एंड ये जो वीडियो है ना, ये फर्स्ट वाले का सेकंड पार्ट है, क्योंकि उसमें मैंने विष्णुपद मंदिर से देवघाट तक में दो भी तैयारियां चल रही थी उसको शेयर किया था। और इस वाले वीडियो में देवघाट पे हूँ और देवघाट पे पूरे सेशन में देखता हूँ क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं और उसको शेयर करूँगा आप सभी के साथ में। तो चैनल को करना सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हो गए। तो साफ़ सफाई के लिए ना प्राइवेट एजेंसी को काम दे दी गई है, तो आप देख सकते हो शाम के 7 बजे भी 6:30 बजे भी काम जो है कंटिन्यूसली कर रहे हैं क्या। जो भी है भाई, डैम की ये जो देख सकते हो आप लाइटिंग वगैरह, सीतापथ पे भी लाइट लगाया नहीं गया है। इधर जो है चल रही है कुछ पिंडदान का प्रोसेस शाम के टाइम पे, और पी गंगा जल जो है इधर भी व्यवस्था की गई है, इधर आप देख सकते हो। ये देखो लोग स्नान करते हुए यहाँ पे, और ये है विष्णुपद मंदिर का पिछला द्वार। यहाँ से भी आप जाकर विष्णुपद मंदिर में एंटर कर सकते हो, और यहाँ पे बनाई जा रही है चेंजिंग रूम वगैरह। इधर पेयजल पे गंगा जल जो है उपलब्ध कराई गई है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा कुछ बनाया गया है इस तरीके से पियाऊ जिसको हम लोग कहते हैं। इधर लोग स्नान करते हुए और सफाई कर्मी जो है कंटिन्यू यहाँ पे, जैसे ही प्राइवेट कंपनी को दी गई है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्कर जो है आपने देखने को मिल जाएंगे। ये देखो बहुत सारे वर्कर जो हैं मिल रहे हैं यहाँ पे। और इधर पितृपक्ष मेला महासंगम 2023 को लेकर इस तरीके से प्याव जो है वो बनाया गया है। हालाँकि ये पहले से बना हुआ था, बस इसको रीडेवलप किया गया है, थोड़ा बहुत मरम्मत की गई है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, वेदी है जहाँ पर पिंडदान की जाती है। और आगे अगर इस रूट से मैं चला जाऊँ तो शमशान घाट होगा। ये देख सकते हो पीछे फ्रेंड्स, विष्णुपद मंदिर का दूसरा द्वार है जहाँ से आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। और फिलहाल मैं चलता हूँ अभी आगे की तरफ, यानी कि देवघाट से रबर डैम की तरफ में, और वहाँ पे भी आपको बहुत सारी तैयारियाँ जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो चलता हूँ उधर। देखो फ्रेंड्स, उस समय लाइटनिंग नहीं था और अभी लाइट लग जाने के बाद एक बेहतरीन सा व्यू यहाँ पर। ये देखो फ्रेंड्स, क्या ही मनमोहक सा दृश्य भाई पितृपक्ष में विष्णु नगरी के पास में। ये देखो भाई, बहुत ही सुंदर सा लाइटनिंग काफी दूर तक में किया हुआ है।